हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल समर कैंप। और आज की हमारी एक्टिविटी है ट्री प्लांटेशन। तो हम ट्री तो नहीं करेंगे, हम एक बेल आपको उगाकर दिखाएंगे, और वो बेल है तोरी की बेल। इसको बोने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए और जो जो हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके बेनिफिट भी बताऊंगी, लेकिन बेनिफिट बताऊंगी बाद में। ओके एवरीवन, तो अभी मैं इसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए वो बता रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से बर्तन लेंगे और उसको रखेंगे। उसके अंदर ये देखिए, मैंने मिक्सर करके रखा है। ये जो मिक्सर है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपके लिए जो है गोबर की खाद है कुछ, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मिट्टी है, और थोड़ी सी जो ये डस्ट होता है, रेत होता है, जिसको आप लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं, ये मैंने यूज़ किया है इसके लिए। तो आप क्या करेंगे फिर इसके लिए, सबसे पहले आप इन सबको इक्वल इक्वल मात्रा में लेके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर आपकी बेल को बहुत अच्छे से उगाया जा सके। और जो तोरे की बेल है, साथ साथ में इसके बेनिफिट भी बताने जा रही हूँ आपको। इसकी बेल जो होती है ये बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी इस पर तोरियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, और आपके लिए जो तोरी होती है वो बहुत हेल्दी होती है, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, ग्रीन वेजिटेबल होती है। इसको खाने से जो है आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, गर्मी नहीं होती है। डॉक्टर भी आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग घिया, तोरई, पालक, कद्दू, ये जो ग्रीन वेजिटेबल हैं ये खाएं। तो इनको अब आजकल आप अगर मार्केट से गर्मी के दिनों में इनको खरीदने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ये कॉस्टली हो जाती है। तो आप हल्का सा, थोड़ा सा आप घर पर एफर्ट करके और इसके लिए आप जो है अपनी बेल को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मैंने इस सब को मिक्स कर लिया है अब अच्छे से। अब मैंने एक पॉली बैग लिया है, देखिए ये इस तरह का पॉली बैग है। इस पॉली बैग में आप इसको ऊपर से हल्का सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से करेंगे आप इसको, और इसको यहाँ रखेंगे, और इसके अंदर जो है ये जितना भी आपका मिक्सचर है इस सब को मिला रख लेंगे, इसको भर लेंगे इसके अंदर। इसको भरने के बाद ये आपको इस तरह से दिखने लग जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। सारा का सारा जो रेत है ये सारा मिक्सचर आपने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अच्छे से इसको सारा जो आपका ये है ये आपने सारा इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से ये डाल दिया आपने, अब आपने क्या करना है? इसके अंदर मैंने ये तोरई के कुछ बीज लिए हैं, आपने क्या करना है इन सभी बीजों को, ये देखिए, ये देखिए ये तोरी के बीज हैं, इनको जो मैंने लिया है आपके लिए। लेकिन आप क्या करेंगे, एक जो इस तरह का एक पॉट बनाएंगे उसमें आप 5 से 6 बीज लगा देना, क्योंकि जो है कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीज जो हैं वो नहीं पाते हैं, तो एक आध बीज नहीं भी होता है तो कुछ जो है 2-4 उसमें से हो जाती है, ठीक है। इसमें आप हल्का सा पॉली बैग में आप हल्का सा नीचे कट भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो आप इसमें मैंने ये 5 से 6 बीज मैंने इसके अंदर रोप दिए हैं। तो ये हमने इसमें जो है तोरई के बीज डाल दिए हैं, और हमने इसमें 5 से 6 बीज डाले हैं, और अब हम इस पर वाटर का स्प्रे करेंगे। ध्यान रखना आप लोग कि इसमें वाटर जो है गिलास भर के या मग भर के नहीं डालना है आपको, इसमें जस्ट स्प्रे करना है। इस तरह से आप स्प्रे कर देंगे। ये आप कोई भी बोतल घर में ले सकते हैं, ये मैंने कॉलिन की बोतल ली है, तो इसमें मैंने वाटर फिल किया है और मैं इससे ये है जो स्प्रे कर रही हूँ। ये मैंने स्प्रे कर दिया है इस पर इतना वाटर, और अब इनको हम
6 से 7-8 दिन के लिए, 6 से 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से। और इसमें हल्का हल्का जब बीच बीच में हम वाटर स्प्रे करते रहते हैं। तो ये मैंने जो है आपको करके दिखाया है, ठीक है, लेकिन मैंने जो है आपके लिए पहले से ही कुछ रेडी करके रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है तोरई की बेल है, आप देख सकते हैं। ये जो है मैंने पहले से लगा के रखी है, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए दिखाने के लिए आपको पहले से लगा के रखी हैं, तैयार करके रखी हैं। ये 6 से 7 दिन इनको इस तरह से उगने में थोड़ा सा लग जाते हैं और फिर थोड़ा सा बड़ा होने में टाइम लग जाता है। और क्योंकि जो है ये कम स्पेस लेकर हो रही है तैयार, तो आप लोग जो है इनको ऐसे ही बहुत सारे इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। इस तरह से पालक भी उगा सकते हैं आप, धनिया भी उगा सकते हैं, लहसुन भी उगा सकते हैं, अदरक भी उगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं इस तरह से करके आप। और इसके जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाले होते हैं, क्योंकि गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, तो इनको थोड़े थोड़े पानी में ही हमारा काम चल जाता है। और अब इनको हम जब ये बड़े हो जाते हैं, जैसे इस तरह से हो गई हैं अब, तो हम इनको खुले स्पेस में जहाँ ज़मीन ज़्यादा होती है, मीन्स मिट्टी विट्टी ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ पर इनको दोबारा से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो है देख सकते हैं कि ये देखिए छोटी छोटी सी बेलें भी उग कर आई हैं। ये देखिए, ये बड़ी बेल है ये वाली, ये छोटी बेल है, और ये जो है आपकी तोरई की बेलें तैयार हैं। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगा है आपका, कुछ भी मेहनत नहीं लगी है, जरा सा हल्का सा आपको वर्क करना पड़ता है और आपका वर्क हो गया है। थैंक यू एवरीवन।